Hello students, how are you? My dear students, you are filled with our online classes. My man, Pathan, आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता है. कैसे हैं आप सबसे पहले? उम्मीद है आप सब अपने अपने घर पे सुरक्षित हैं और अच्छी सेहत के साथ हैं. आपको पता है अभी लास्ट वीडियो हमने फॉर्मल लेटर के इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर के बनाए. डियर फॉर्मल लेटर में हमने कुछ लेटर्स दिए हैं. आइए इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए एक लेटर और लिखते हैं आज कलेक्टर साहब, जिसमें हमने अपने को बैन करवाना है यूज ऑफ लाउड स्पीकर. तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन क्या बनेगा? इमेजिन that you are Rahul student of 12th class. Write a letter to the collector requesting him to mend the use of loudspeaker. That's simple. समझ में आ गया होगा आपको. मेरे ख्याल से आपने 8th में भी पढ़ी होगी, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी और फिर 12th में भी. फॉर्मेट आपको मैंने बता चुका हूं ये फॉर्मेट क्या होगा. चलो एक बार वापस से फॉर्मेट देखते हैं. वही फॉर्मेट का ऐसा लगना चाहिए. एक वर्ड जहां से आपने शुरू किया उसी वर्ड के नीचे से सारा लेटर आपको खत्म होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि आपने पूरा लेटर पढ़ लिया है. मतलब स्केल से लाइन लगाई हो आपने, ऐसी उसकी फॉर्मेटिंग आनी चाहिए. डियर स्टूडेंट, फॉर्मेट के आपके 5 मार्क्स हैं और इनग्रेडियंट्स इन बॉडी या जो मैटर आप लिखते हैं अंदर उसके 2 मार्क्स हैं. मैं फिर बताता चला हूँ आपको 7 नंबर दिए आपकी लेटर के एप्लीकेशन का है. 7 मार्क्स का एक बोर्ड एग्जाम में आएगा और स्पेशली हैंड राइटिंग का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना. बहुत इजी है इसको लिखना, काफी डिफिकल्ट नहीं है. डिफिकल्ट हम बना सकते हैं उसको सामने वाले के लिए. अगर हमें थोड़ा लिखने का तजुर्बा हो, लिखने का आइडिया हो गया तो हम सामने वाले के लिए ऐसा डिफिकल्ट बना सकते हैं. मगर हमें ऐसा करना नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना. लिखना तो हमें बहुत आ रहा है मगर टाइम भी तो वापस देखना है कि पीछे वाले क्वेश्चन कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. और जिसको नहीं आता तो उसके लिए थोड़ी सी एप्लीकेशन काफी हो जाती है. तो स्टूडेंट अपन वही लिखें, एवरेज एप्लीकेशन अपन लिखें जिसको टीचर को चेक करने में भी आसानी हो जाए. टीचर को सिर्फ एक आइडिया देखेगा कि आपने कैसे लिखी है, आपको आती भी है नहीं आती. लेट्स स्टार्ट. मैंने कहा ये आपके लेफ्ट साइड के पेपर की यहां से आप लिखें, यहां से सुनना शुरू करेंगे. एक लाइन स्किप कर दो वापस और डेट डाल देना. एक लाइन स्किप कर दो वापस जिसको एड्रेस करना है. और सॉरी हम प्रिंसिपल साहब नहीं, हम कलेक्टर साहब को लिखना है. एक लाइन स्किप करेंगे
और हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। When the use of loudspeaker, आप क्या करेंगे स्टूडेंट इंट्रोडक्टरी लाइन रेस्पेक्टेड सर करते सर या मैडम कलेक्टर साहिब या कलेक्टर साहिबा कोई भी चीज हो सकता है। With due respect, I would like to inform you that my name. Now introduce yourself. My name is ऊपर देखने क्वेश्चन में राहुल। I am student of 12th class. दिया सबसे पहले अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करें। मैं फिर कहूँ सबसे पहले आप अपने आप को अच्छी तरह से मुखातिब करा दें सामने वाले से कि आप कौन हैं। मैटर आते हैं आप यहीं से आपको शुरू करके पूरा मैटर आता है और लास्ट में थैंकिंग यू और लॉस फेसफुली करके लेटर को एंड करना है। फॉर्मेट पहले मुझे स्किप जो लाइन करनी है वहां पे आपको लाइन स्किप करनी है बराबर खूबसूरती के साथ। जब लेटर आपका पूरा हो तो एक लाइन स्किप करके थैंकिंग यू और अगेन एक लाइन स्किप करके आप लॉस फेसफुली ऑपरेटली सिंसियरली जो भी आप लिखना चाहें और पूरा लेटर का खत्म करें। कोशिश करें मुख्तसर सा हो अच्छा हो एक पेज जो होगा ए फोर साइज का जो आपका बोर्ड पेपर होगा उस पेज के अंदर आपका पूरी एप्लीकेशन पूरा लेटर जो है लिखना स्टूडेंट्स। तो प्लीज बी अवेयर बी केयरफुल एक बार आप फॉर्मेट को और क्वेश्चन को फॉर्मेट को वापस से देखें और जो आप हमने इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी है उसको आप पूरा बदलें अभी आप इसको रफ करके और अब इसके आगे वाले मटेरियल आगे लिखेंगे तो आप एक बार स्टूडेंट्स पूरा देख लीजिए। स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करते हैं लेटर को हम इंट्रोडक्शन लाइन लिखी थी और माय नेम इज राहुल और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। अब आपको जो बात कहनी है वो आपको हम तरीके से कहेंगे उसी लाइन को आगे फॉलो करते हुए यहां से माय बोर्ड एग्जामिनेशन examinations are at hand. मेरे बोर्ड के एग्जामिनेशन सिर पे हैं। My exam at hand. My neighbor. Uses high volume loudspeaker from day to night. In this condition, it is very difficult to study. Therefore,
I request you to ban the use of loud speakers इतना लिखने के बाद थोड़ा सा इसको और चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, ये नाम के ऊपर करता है इसको और बढ़ा भी सकते हैं और इसको यहीं पर भी पूरा कर सकते हैं। आप इसमें इनको थैंक यू कह सकते हैं, काइंडली कह सकते हैं और फिर लाइन लाइन कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं इसको एक लाइन या दो लाइन और बढ़ा सकते हैं, मगर उससे मार्क्स ज्यादा लिखेंगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे या कम लिखेंगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, ऐसे कुछ नहीं मानना है। जितना आपको कहा गया है या जितना आपने सीखा है वही आप लिखेंगे तो ही आप मार्क्स को मिल पाएंगे, उसको और बढ़ाने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। फिर एक लाइन स्पीक करते हैं, थैंकिंग यू योर सिंसियरली करते हैं, सिंसियरली आपका नाम जो लिखा था आपने और आप स्टूडेंट्स ये हमने एक छोटा सा मुख्तसर सा एक लेटर लिखा है जो कि आप भी लिख सकते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी हरकत होती हो तो बैन ऑफ द यूज ऑफ बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर टॉपिक हटा के जिस समस्या से जिस प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं या प्रॉब्लम से परेशान हैं उस प्रॉब्लम का नाम लिख के आपको भी एप्लीकेशन या लेटर ये इसी तरह से लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस आपको लिखना आ जाए मुख्तसर सा तरीके से लिखना आ जाए और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज हमने जो लेटर किया ये समझ में आ गया होगा। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे माय डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए आप इस टॉपिक को या प्रीवियस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से सोचें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। डियर स्टूडेंट डोंट फॉरगेट, हमेशा कभी नहीं भूलें इस बात को कि जो प्रैक्टिस करता है वो हमेशा कामयाब होता है। तो ऑलवेज जस्ट be positive, then be just always be positive and practice your work whatever you have given. Thank you so much students, all the best.